नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। और लीजिए, विधान परिषद चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, जहां विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी की जीत, यानी कुल 100 सीटों में बीजेपी के पास अब 68 सीटें हैं। और जहीं पहले भाजपा के पास विधान परिषद में 35 सीटें हुआ करती थी, माफ कीजिएगा, तो ऐसा 40 साल में पहली बार हुआ है विधान परिषद में बीजेपी को बहुमत मिली है। इस चुनाव में सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। दो निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत हासिल की है। प्रतापगढ़ से जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह की जीत हुई है, और वहीं अगर बात करें वाराणसी की तो अन्नपूर्णा सिंह जीती हैं। अगर ये दो सीट छोड़ दिया जाए तो यहाँ बीजेपी को किस तरीके से जीत मिली है और बहुमत जो कि ऐतिहासिक है। विधान परिषद चुनाव में कमल का कमाल, छत्तीस में से 33 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत, 9 सीटों पर निर्विरोध जीत, 24 सीटों पर विरोधियों को हराया। यूपी विधान परिषद में भाजपा को पहली बार बहुमत, 40 साल बाद पहली बार किसी पार्टी को मिला बहुमत। 3 निर्दलियों ने भी एमएलसी चुनाव में जीत का परचम फहराया। जौनपुर, प्रतापगढ़ और वाराणसी में बाहुबलियों का चला जोर। जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी ब्रजेश सिंह प्रिंसू जीते। प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल के अक्षय प्रताप सिंह की जीत। वाराणसी में माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा जीती। भीतरघात ने भाजपा को वाराणसी और आजमगढ़ में हराया। इस बार एमएलसी चुनाव में नहीं खुला सपा का खाता। विधानसभा चुनाव में जहां किया था क्लीन स्वीप, वहां भी हारी सपा। रामपुर, देवरिया और लखनऊ उन्नाव सीट पर करारी हार। विधान परिषद की जंग, लाल पर भारी भगवा रंग। प्रतापगढ़ के कुंडा के विधायक राजा भैया की पार्टी ने और इनके उम्मीदवार की बात कर लें, अक्षय प्रताप सिंह ने जीत दर्ज की है और इसके बाद उन्हें बधाई भी दी है राजा भैया ने। उन्होंने अक्षय प्रताप सिंह की जीत जनता की जीत बताई। आज बहुत ही जनसत्ता दल के लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है। पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, आप सब लोगों ने देखे, एकमात्र दल जनसत्ता दल ही विजयी हुआ है। बहुत से दल ऐसे हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़ने का साहस नहीं किया, कुछ दल लड़े वो कहीं गिनती में नहीं थे, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व और प्रसन्नता की बात है। अपने सभी समर्थकों को, प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं को और सभी शुभचिंतकों को आपके माध्यम से पार्टी के सभी पदाधिकारियों को आभार व्यक्त करना चाहेंगे। राजा भैया, बहुत कम समय हुआ जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन हुए और इतने समय में ही विधानसभा चुनाव में अगर कहें तो तीसरे नंबर की पोजीशन आ गई भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, उसके बाद अपना दल, तो ये एमएलसी चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन, तेजी से आगे जा रहा है। सब
जनता जनार्दन का स्नेह है। और यहाँ पे एक बात ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि जनसत्ता दल का किसी भी पार्टी से, अन्य दल से कोई गठबंधन नहीं। हम अपने दम पे चुनाव लड़े, जनता जनार्दन के दम पे चुनाव लड़े, और जो भी सफलता मिली वो किसी अन्य दल के गठबंधन होने के कारण नहीं मिली, वो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण मिली। सारे दल दावा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही थी, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो या MLC चुनाव, लेकिन राजा भैया को प्रतापगढ़ में कोई हिला नहीं पा रहा है। कौन सा जादू है? जादू नहीं है, कड़ी मेहनत है। और अक्षय प्रताप जी लगातार 5वीं बार स्थानीय निकाय का चुनाव जीते हैं, बीच में एक बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। सबसे विशेषता ये है, और ये हमारा अपना अनुभव है, यही हम कहते भी हैं सबसे, कि चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में ही रहना होगा, रहना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनसुलभ रहना चाहिए, और यही वजह है कि अन्य स्थापित दलों के ऊपर जा कर के प्रतापगढ़ के सम्मानित मतदाताओं ने गोपाल जी का चयन किया, जनसत्ता दल को आशीर्वाद दिया। जिस तरह से पार्टी आगे बढ़ रही है, आप आगे बढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, कुछ नया स्वरूप आएगा क्या देखने को? अब अभी तो देखिए, जो जो चुनाव हम जीत रहे हैं, प्रयास यही है कि बढ़े हुए दायित्व के कारण बेहतर प्रदर्शन हो, और अपने सभी मतदाताओं का और प्रतापगढ़ की सम्मानित जनता का, और जहां भी संगठन है, संगठन के माध्यम से जनता जनार्दन की समस्याओं को उठाएं, उनका निदान करें, उसके लिए लड़ाई लड़ें। राजा भैया, विधानसभा चुनाव हो गए, MLC चुनाव हो गए, आगे लोकसभा चुनाव है, उसमें अब अभी थोड़ा पसीना तो पूछने दीजिए, हम लोग पिछले एक साल से चुनाव में हैं। आप ध्यान करें कि पंचायत चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव हुए, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुआ, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, फिर विधानसभा के चुनाव हुए, अब विधान परिषद हुआ, तो एक साल से लगातार चुनाव ही हम लोग फेस करते आ रहे हैं, और ईश्वर की कृपा से हर चुनाव जीते हैं। तो अब थोड़ा सा जनता के बीच में जाके काम करने का और वहाँ पे उपस्थिति, वो प्राथमिकता है। AVP गंगा के दर्शकों को कुछ संकेत तो दे दी। AVP के सभी सम्मानित दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, और आप आए, आपने इतना समय दिया, प्रतापगढ़ में कवर किया, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। लेकिन दूल्हा नहीं दिख रहा है अभी, दूल्हा कहाँ है? अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला है, जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो चुनाव आयोग जाती हैं, गिनती के टेबुलेशन चार्ट, फिर उसके बाद वहाँ से अप्रूवल होता है, फिर यहाँ पे RO महोदय उनको प्रमाण पत्र देंगे। सदन में सिर्फ एक प्रतिनिधि होगा अपना, मतलब विपक्ष तो है ही नहीं कहीं, विपक्ष के तौर पर आप ही होंगे वहाँ पे। अगर देखें तो 36 सीटों में सारी भाजपा के पास चली गई, निर्दलीय एकाध रहे, और दल के रूप में एक आप हैं, तो क्या भूमिका रहेगी? हमेशा हमने माना है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए, सिर्फ सत्ताधारी दल के हर बात में बखिया उधेड़ने में कभी हमारा विश्वास नहीं रहा है कि हर बात पे विरोध करना ही करना है। हाँ, कुछ कमियां सत्ता पक्ष से होती हैं, और जहां जनहित की बात आएगी, प्रदेश हित की बात आएगी, वहां जनसत्ता दल मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएगा। तो खैर, लोगों का जुड़ाव है जनसत्ता दल, क्या आपसे जुड़ाव है यहाँ पर? आपसे जुड़ाव है यहाँ की जनता का, तो जनता की अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा हैं, तो अब उस सदन में भी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? एक लंबा अनुभव है, 7वीं बार विधानसभा का चुनाव जीते, 6 बार निर्दलीय जीते, इस बार जनसत्ता दल का गठन हुआ उससे लड़े जीते, तो एक लंबा अनुभव है। बगल में हमारे विनोद सरोज जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसत्ता दल के, 2 बार इनके पिताजी निर्दलीय रहे, और इनका भी 4थी बार है विधानसभा में, तो जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं का निवारण करते हैं, निराकरण करते हैं, तभी बार बार जनता का आशीर्वाद मिलता है। ये सीधी सी बात है, ऐसा नहीं है कि किसी दल की लहर आई और लहर से उस दल से जिसको टिकट मिला वो जीत गया और फिर अगली बार उसका पता नहीं चला। यहाँ तो सिर्फ आपकी लहर चल नहीं, ये बहुत बड़ी कृपा है, मैं फिर से कहूँगा ईश्वर की, कि हम अच्छे ढंग से जनता जनार्दन की सेवा करने में सक्षम हैं और उनका प्रेम, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी आगे क्या भूमिका रहेगी राजा भैया? अगर हम देखें तो विधानसभा में भी अपना प्रतिनिधित्व हो गया, विधान परिषद में भी हो गया, लोकसभा में बताइए। लोकसभा जब आएगा तब बताया जाएगा, अभी तो 24 में है लोकसभा। भाजपा तो हर समय चुनाव मोड में रहती है।
वो तो लोकसभा की तैयारी भी अभी कर रही है और अगले विधानसभा की भी तैयारी। लोकसभा चुनाव आने दीजिए, बिल्कुल बताया जाएगा। अभी तो हमारे जो आज विजयी हुए हैं MLC महोदय गोपाल जी, अभी तो उनको प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। अभी इंतजार हो रहा है दूल्हे का, दूल्हे यानी MLC अक्षय प्रताप सिंह पांचवीं बार बने हैं, तो अभी प्रमाण पत्र वितरण होगा। प्रमाण पत्र वरिष्ठतम MLC हैं यानी पांचवीं बार, इसके पहले राजा भैया यहाँ पांचवीं बार, मतलब अगर पूरे प्रदेश में देखें, अब रिकॉर्ड निकलवा के देखना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता नहीं है स्थानीय निकाय से कोई पांच बार हुआ। स्थानीय निकाय से पांचवीं बार MLC बन गए हैं, अगला कार्यकाल उनका है और बहुत सारी योजनाएं जो पाइपलाइन में है, चूंकि लगातार चार बार रहे हैं, तो चार बार के दौरान जो भी काम हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने पब्लिक की आवाज़ को उठाया है, आगे उसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। जो काम अधूरे रह गए हैं वो काम आगे पूरे होंगे। प्रतापगढ़ के MLC चुनाव में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के प्रत्याशी अक्षय प्रताप सिंह चुनाव जीते हैं और अक्षय प्रताप सिंह ने लगातार पांचवी बार इस सीट पर जीत दर्ज की है। एबीपी गंगा से खास बातचीत में अक्षय प्रताप ने दावा किया कि उनका मतदाताओं से पारिवारिक रिश्ता है जो वर्षों से कायम है। लगातार आप पांचवी बार चुनाव जीते हैं, एक बार फिर विजय दशहरा आपके साथ। देखिए, जीत हमारी जीत नहीं है, ये माननीय राजा भैया जनसत्ता दल की और माननीय यहाँ के प्रधान BDC की जीत है और सभी समर्थकों की जीत है, ये हमारी जीत नहीं है। तो क्या लगता है, पब्लिक ने सत्ता पक्ष का दबाव भी अस्वीकार कर दिया? देखिए, जो क्षेत्र में बना रहेगा, जो काम करता रहेगा, जो हमने आपसे पहले भी कहा कि जो पारिवारिक संबंध आदरणीय राजा भैया के नेतृत्व में हम लोग रखते हैं, तो परिवार हमेशा परिवार के साथ खड़ा होता है, इसमें कोई सत्ता हो कभी भी। आप देखिए, पहला चुनाव हम लड़े थे, स्थितियों भी देख लीजिए, उसके बाद हम जेल से चुनाव जीते, उस बार 900 वोट हमको लगभग जैसे लीड, उसमें भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रधान BDC माननीय मतदाता ही चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी माननीय मतदाता ही चुनाव लड़े, कोई जातिवाद कोई नहीं चला, सबसे उठ के लोगों ने मतदान। जनप्रतिनिधियों ने जिनने मतदान किया है उनका आपका दिल का रिश्ता है? हमने आपसे कहा जनसत्ता दल से उनसे पारिवारिक रिश्ता है, परिवार के रिश्ता है, प्रधान BDC कहीं ये दलगत जातगत नहीं। वाराणसी सीट से MLC का चुनाव बाहुबली ब्रिजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह ने जीत लिया है। उन्होंने जीतने के बाद बड़ा बयान दिया है, दावा ये किया है कि PM मोदी CM योगी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है और उम्मीद है कि आगे भी बना रहेगा। मन में यही है कि जैसे जनता ने हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाया रखा, सरकार की भी आशीर्वाद हमारे ऊपर रही है, हमेशा से रही है मेरे परिवार के ऊपर, तो मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगी कि जिससे उन लोगों को निराश होना पड़े, ऐसी आशीर्वाद बनाए रखें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, तो उन लोगों का आशीर्वाद जरूरी है हमारे परिवार के लिए। पूरा जी, जिस वक्त इस चुनाव मैदान में आप थी, लगातार मतलब आप जा रही थी लोगों के पास, तो सामने के जो प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया था और कहीं ना कहीं कई आरोप भी लग रहे थे, जो सवाल हम पहले भी आपसे पूछते आए हैं करते, तो अब उसके बाद एक जीत का मौका, खुशी और उत्साह का मौका, कहना क्या? ये खुशी तो है रहेगी, जो भी आरोप लगी है बेबुनियाद है, आप लोग भी जानते हैं कि बेबुनियाद है, वो हमेशा कहते आए हैं कि नहीं बाहुबल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही है। दशकों से ज़्यादा ये सीट पूरे आपके परिवार की है और एक बार फिर से जीत हासिल की आपने, जीत के पीछे कौन? जनता। फिर सवाल आगे की महिलाओं के लिए जो हो सकेगा मैं आगे बढ़ के चढ़ के करूँगी, महिलाओं के लिए सबसे पहले, जनता के लिए जो हमारे साथ खड़े रहे उनके साथ कदम से कदम मिला। वाराणसी की MLC सीट से भाजपा के डॉक्टर सुदामा पटेल चुनाव हार गए हैं। बाहुबली ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा ने उन्हें मात दी है। सुदामा पटेल का आरोप ये है कि भीतरघात की वजह से उन्हें ये हार मिली। सुदामा जी, क्या कारण आप मानते हैं अपनी हार का, और हार में भी तीसरे नंबर पर? कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है फील्ड में है ही नहीं, कहीं दिखा भी नहीं, फिर भी दूसरे नंबर। इसमें तो रोड सड़क पे दिखाई दे रहा है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कितने कार्यकर्ता, लोगों लगा के ब्लॉक प्रमुख और सभासद, कितने लोग रिसीव कर रहे हैं अन्नपूर्णा सिंह जी की जुलूस में शामिल है, यही हार का कारण विशेष तौर। मतलब जो आरोप आप पहले से लगा रहे थे वही आरोप आपके अभी भी हैं, आपको हराने के पीछे कौन? 10 कार्यकर्ता केवल चाहिए
गिनती कराने के लिए तीनों जिले के वोट के लिए, वोटों की, उस 10 कार्यकर्ता में 5 कार्यकर्ता हमारे हैं जो अन्नपूर्णा सिंह की गिनती करा। तो इसका मतलब है कि पूरे जिले में जितने बूथ हैं उसमें हमारे 70% कार्यकर्ता हमारे उनके लिए काम। यानी आज काउंटिंग में भी बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे? बीजेपी कार्यकर्ता लगे रहे कि नहीं लगे रहे ये भी आप सीधा देख सकते हैं कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता भी उन्हीं के साथ और आज भी, तो कहां कहां कार्यकर्ता देखे? अब आप भी देख सकते हैं, हमें बोलने की जरूरत नहीं, चूंकि प्रत्याशी के रहने वाले हैं आप, वाराणसी के सारे नेताओं को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, आर ओ टेबल पे कौन बैठा है, किसके किस प्रत्याशी के लिए बैठा है, तो दिख जाएगा आपको सामने। इसमें हमें शिकायत करने की कोई आवश्यकता नहीं है मीडिया के थ्रू, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी हमें चुनाव लड़ने के लिए, और चुनाव मैंने ईमानदारी से लड़ा। हमें कितना खरीद फरोख्त करने की बात आई, हमारा भी रेट लगा, लेकिन मैंने चुनाव ईमानदारी से लड़ा। मैं उस सिद्धांत पे हूँ कि भाजपा जब दो लोकसभा में दो सीट पे थी तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े थे और उनके लिए लड़ रहे थे। मैं उसी सिद्धांत पे लड़ रहा हूँ और चुनाव में हार जीत अलग विषय है। गोरखपुर महाराजगंज MLC सीट से बीजेपी प्रत्याशी CP चंद ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। CP चंद ने 4,432 मतों से जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत का श्रेय CM योगी, PM मोदी और भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया। बहुत बड़ी जीत है, ऐतिहासिक जीत है। मैं आभार व्यक्त करूंगा गोरखपुर और महाराजगंज के जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने योगी जी का सम्मान रखा और एक बार पुनः एक कीर्तिमान स्थापित किया। जो जनता ने एक महीने पहले जो विश्वास व्यक्त किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में, वो विश्वास कायम रहा। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की जीत सुनिश्चित की है। MLC चुनाव में जीत हासिल करने वाले सभी लोगों को बधाई। साथ ही उन्होंने वाराणसी से बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह की जीत पर कहा कि कई जगह गड़बड़ी हो जाती है, उसे देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के नतीजे लगभग आ गए हैं और बीजेपी की ज्यादा सीटों पर जीत हुई है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मत्स्य मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जी। सर, नतीजे आ चुके हैं, बीजेपी की ज्यादातर सीटों पर जीत हुई है, आप भी MLC हैं, आप भी बीजेपी के सहयोगी हैं, क्या कहेंगे? मैं तो बधाई दूंगा उनको, जिन लोगों ने जीत के लिए वोट डाला था और मोदी जी योगी जी की नीतियों का समर्थन किया था, क्योंकि ये MLC का चुनाव है, प्रतिनिधियों का चुनाव है और जनप्रतिनिधियों का, जन मतलब होता है पब्लिक, है जनता, जनार्दन भगवान होता है। और ऐसी नीत आज तक 70 साल से जो सभी बिना भेदभाव के, बिना किसी रुकावट के जो भी नीत बनी हो, वो सभी जाति सभी धर्म के लिए किया हूँ और उसे धरातल पर उतारा हूँ। और इसकी वजह से 2022 के चुनाव में जनता ने उसे समर्थन दिया था और उसको मुहर लगाया था सुशासन पर, उसको फिर से उन जनप्रतिनिधियों ने जो वोट डाला है MLC का, उसे मैं बधाई देता हूँ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूँ और इस सुशासन व्यवस्था और नीति को बधाई देता हूँ। सर, विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी बीजेपी को लगभग बहुमत मिल गया है, तो कितना अब आसान रहेगा काम करना? निश्चित रूप से पूरा आसान हो जाएगा, क्योंकि जनता का देश है, जनता के लिए कानून बनते हैं, जनता के हितों के लिए बनता है और जनता के हितों के लिए जो NDA है, भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी अपना दल है, निश्चित रूप से जो विधानसभा से फाइल पास होगी उसे विधान परिषद में आसानी से पास करके जनता की कानून से सेवा, अभी तो नीतियों से सेवा हो रही थी, अब वो परमानेंट कानून बना के उनकी सेवा की जा सकती है। लखनऊ उन्नाव सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामचंद्र प्रधान अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कल ही एक गाड़ी खरीदी गई जिसके नंबर प्लेट पर पहले से ही विधान परिषद सदस्य लिख दिया गया था। कलेक्ट्रेट में ABP गंगा के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे की रिपोर्ट देखिए। अभी मतगणना नहीं हुई, रिजल्ट नहीं निकला और कल ये गाड़ी खरीद कर आई थार। थार कितना प्रसिद्ध है और इस नई थार से जीतने के बाद अपने समर्थकों साथ कचहरी में पहुंचे हैं, कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं और थार को सजाया गया है और ये सदस्य विधान परिषद लिखा हुआ है। रिजल्ट से पहले ही भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हें भरोसा था कि वो परिषद में तो पहुंचेंगे ही और ये देखिए साहब, थार के अंदर की साज सज्जा,
ये अभी प्लास्टिक भी नहीं निकली है, ये प्लास्टिक भी लगी हुई है। सोच रहे होंगे कि जीत जाएंगे कहीं गाड़ी गंदी ना हो जाए, तो जब यहाँ बैठेंगे तो बहुत शानदार तरीके से, ये देखिए ये छोटू भी डांस कर, बहुत बढ़िया। ओहो क्या बात है, ये रामचंद्र प्रधान का असली 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 समर्थक लग रहा है, ये देखिए। और इसके पिताजी अंदर गए हुए हैं और ये जश्न का माहौल चल रहा है यहाँ पर, ये देखिए ये रामचंद्र प्रधान के समर्थक हैं। ऐसा नज़ारा भारतीय जनता पार्टी के हर उन प्रत्याशियों की जगह से आ रहा है जहाँ पर ये जश्न का माहौल चल रहा है। मेरठ गाजियाबाद सीट से भाजपा के धर्मेंद्र भारद्वाज ने जीत दर्ज की है। भाजपा के जीते उम्मीदवार ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया है। जब उनसे पिता के बारे में पूछा गया तो वो भावुक हो गए। चीज और जानना चाहूंगा, जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? और अक्सर मैंने भी देखा जब आपको कवर किया आप अपने पिता का जिक्र जरूर करें। भावुक पल है, मैंने आपसे सवाल ऐसे किया क्योंकि मैंने हमेशा आपको सुना कि आप हमेशा अपने पिता का जिक्र करते रहे हैं, आज वो भी आपको ऊपर से देख रहे हैं, उनका भी सीना गर्व से चौड़ा होगा कि एक एमएलसी मेरा बेटा, जिस बेटे को अपनी गोदी में एक सपना उनका वो रह गया और आज वो एमएलसी बन गया। उन्हें आज तो हौसला दिखाई, बाकी उनका एक सपना पूरा हुआ, आपने एक सपना पूरा किया। मैं अपने पिता को नहीं देख पाया, मैंने कहा कि गोदी में खिलाने का सपना, लेकिन आज तो देख रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे शाहजहांपुर पीलीभीत सीट से बीजेपी के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जीत दर्ज की है। सुधीर गुप्ता ने अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं और पार्टी को दिया है। उन्होंने दावा किया है कि वो की जनता के बीच में जाएंगे और जनता का काम करेंगे। जीत में भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, हमारे वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए कार्य, जनता में विश्वास पार्टी प्रति और सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत शामिल है। सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी प्रकार के नेताओं ने बहुत मदद की, सभी माननीय विधायकों ने, माननीय मंत्रियों ने, हमारे सभी पार्टी पदाधिकारियों ने बहुत हमारी मदद बनाई, बहुत मेहनत की हम लोगों ने की और ये मेहनत का नतीजा है कि इतने भारी मतों से हम लोग आज चुनाव में जीते। रामपुर बरेली एमएलसी चुनाव में भाजपा के कुंवर महाराज सिंह ने जीत दर्ज की है। उन्होंने जीत का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं और पार्टी नेतृत्व को दिया है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब एमएलसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और नवनिर्वाचित एमएलसी कुंवर महाराज सिंह भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप सिर्फ जानना चाहेंगे अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जीत का श्रेय जो है भगवान श्री राम, कुशल नेतृत्व है आदरणीय मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, यहाँ योगी जी हैं, हमारे स्वतन देव जी हैं और जो हमारा बरेली और रामपुर का नेतृत्व है और संगठन के सारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो हमारे ब्लॉक मैन हों, चाहे हमारे पार्षद हों, चाहे हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्य हों, सारे दोनों जिलों के और सांसद और विधायक हमारे, जो विधानसभा में जो सीटें हमने खोई भी, वहाँ के भी सब कार्यकर्ता और वहाँ के हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने बहुत परिश्रम से और बहुत कुशलता से ये चुनाव लड़ाया और यही वजह थी कि महाराज सिंह आराम से घूमे और सब कार्यकर्ताओं ने मुझसे ज़्यादा परिश्रम से चुनाव। ग्रामीण कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली।